नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो बहुत सारे दोस्त स्मार्ट मोबाइल रखे हैं, मोबाइल यूजर हैं, उनको प्रॉब्लम देखने में आ रहा है। मेरे को भी प्रॉब्लम आया था जिसको फेस करना पड़ता है। खासकर ये एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एंड्रॉयड मोबाइल में होता है। क्या होता है कि क्रोम ब्राउज़र या फिर कोई एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो ओपन नहीं हो पाता है, कोई भी लिंक नहीं खुलता है और एरर शो करता है। ऊपर लिखा रहता है दिस साइट कान बी रिच। कई केस में फ्लिपकार्ट कई एप्लीकेशन भी ओपन नहीं हो पाता। मेरे केस में फ्लिपकार्ट भी ओपन नहीं हो पा रहा है, तो उसको इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा है, एरर दिखा रहा है। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, एरर का मतलब है कि कोई सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, जो प्रोवाइडर है सर्विस प्रोवाइडर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसको दूर करने के लिए मैं सिंपल तरीका सिर्फ 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व करने का बता रहा हूँ। ये सिंपल है, आपको पहले सेटिंग में जाना है। आप मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और सेटिंग को खोलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद वहाँ नेटवर्क जिस सिम में चला रहे हैं उसको टच करेंगे, उसके बाद आएगा ऑपरेटर। ऑपरेटर को टच करने पे ऑटो सेलेक्ट जो लिखा है उसको ऑफ कर देना है, डिसेबल कर देना है। जी, ऑटो सेलेक्ट जो लिखा है उसको डिसेबल कर देने से आप देख सकते हैं वो सर्चिंग कर रहा है। सर्चिंग करने के बाद, सर्चिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, नेटवर्क सर्चिंग करेगा। आप जो भी सिम चला रहे हैं उसको सर्च करके वहाँ शो करेगा जिसको आप सेलेक्ट करोगे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है सर्च करने में, आप देख सकते हैं। सर्च हो जाने के बाद जो भी सिम लगा है वो शो करेगा आपको। ये देखिए, मेरे में जैसे कि जियो का सिम लगा है तो जियो 4G का दिखा रहा है। हमने सर्च करके 4G जियो पे क्लिक कर दिया और वो से हो गया, कनेक्ट हो गया। उसके बाद अपन बैक चलते हैं, मोबाइल स्क्रीन में वापस जाते हुए अपन क्रोम ब्राउज़र को खोलकर देखते हैं कि अपना प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखिए, पहले कांड भी रिच करके एरर आ जा रहा था, वो अब सर्च करने पे कोई भी टाइप करके गूगल में क्रोम ब्राउज़र में अपन सर्च कर रहे हैं तो आसानी से, ये देखिए, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या फिर अमेजोन हो, उसको हम अब सर्च करके आपको दिखा रहे हैं। जो नहीं खुल पा रहा था वो देखिए फ्लिपकार्ट आराम से ओपन हो जा रहा है और जो प्रॉब्लम है वो आसानी से दूर हो गया। आज की वीडियो में यही है। नमस्कार।